नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। खुद के घर में खाने को ताना ना हो लेकिन मदद का ढोंग करना उसे बखूबी आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो एक ऐसा देश है जो खुद खैरात की जिंदगी जी रहा है, पर वो अगर भारत की मदद के लिए फंडिंग करे तो इससे बड़ा मजाक कोई हो ही नहीं सकता। पर यह सच है कि अमेरिका स्थित पाकिस्तानी कट्टरपंथियों से जुड़े एक चैरिटी संगठन ने कोविड-19 संकट में भारत की मदद करने के नाम पर अलग अलग संगठनों और लोगों से चंदा लेकर लाखों डॉलर जमा कर लिए। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इतना रहम दिल कैसे हो गया, तो रुकिए, क्योंकि उनके पैसों को भारत भेजने की जगह आतंकी संगठनों को दान में दे दिया गया और फिर से यह साबित कर दिया गया कि पाकिस्तान चाहे कहीं भी हो उनका दिमाग बस ऐसे कामों में ही लगा रहता है। दरअसल एक रिपोर्ट के जरिए यह खुलासा हुआ है कि अमेरिका के डिसइन्फो लैब ने कोविड-19 स्कैम 2021 का खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि मानवता के इतिहास में पाकिस्तानी संगठन ने सबसे बुरा स्कैम किया है। संस्था ने हेल्पिंग इंडिया के नाम पर लोगों से लाखों डॉलर का चंदा वसूला, भारत में ऑक्सीजन संकट के नाम पर लोगों से चंदा लिया गया और फिर लाखों डॉलर चुरा लिए, और बाद में पाकिस्तानी संस्था ने लोगों से झूठ बोला और सारा पैसा आतंकियों के हाथ में दे दिया। जिस समय भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था, यहां पर आतंक मचा रहा था कोरोना, उस समय कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए और उसी समय ये सारा प्रपंच भी रचा गया। द डिसइन्फो लैब में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान की कई चैरिटी संस्थाओं ने भारत की मदद के नाम पर चंदे में लाखों डॉलर इकट्ठा किया। इसके लिए इन चैरिटी संस्थाओं ने अलग अलग देशों की जाने वाली भारतीय मदद का हवाला दिया, लेकिन पाकिस्तान संस्थाओं का कट्टरपंथी इस्लामियों संगठन के साथ साथ कई आतंकी संगठनों के करीब रिश्ता और ये संस्थाएं पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर काम करती हैं और भारत के खिलाफ साजिशें रचने इनका काम है। एक ऐसे ही अमेरिका स्थित पाकिस्तानी संस्था के नाम पर खुलासा हुआ है कि नाम है इसका IMANA, यानी कि इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। द डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि संकट में भारत की मदद के लिए दुनिया भर के अच्छे लोगों ने करोड़ों रुपए का दान दिया है। लोगों ने पाकिस्तानी संस्थाओं को करोड़ों रुपया दान के तौर पर दे दिया, लेकिन पाकिस्तानी संस्थाओं ने दान में लिए पैसों की चोरी कर ली और रिपोर्ट में कहा गया कि इन पाकिस्तानी संस्थाओं की कोई जवाबदेही नहीं है और साथ ही लोगों ने करोड़ों रुपए की चोरी की, लिहाजा इन संस्थाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो जवाबदेही तय करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि IMANA, एक इलोनॉइस आधारित चिकित्सा राहत संगठन है जिसे औपचारिक तौर पर 1967 में इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA IMA के तौर पर स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर IMANA रख दिया गया। द डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक IMANA के चेयरमैन डॉक्टर इस्माइल मेहर ने हेल्प इंडिया ब्रेथ के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया और दुनिया भर में लोगों से मदद की अपील की, और इस संगठन ने 27 अप्रैल 2021 को #HelpIndiaBreathe नाम का एक कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाया और इसका लक्ष्य रखा गया। और कमाल की बात तो यह है कि संगठन का भारत में एक ब्रांच भी नहीं है, ना ही कोई ऑफिस भी है और ना ही कोई इस तरह का संगठन एक भी कार्यकर्ता भारत में मौजूद है, और ये संगठन भारत की मदद के नाम पर पैसे वसूल रहा था। तो वही रिपोर्ट के मुताबिक जब IMANA को लगा कि भारत के नाम पर खूब पैसा आ रहे हैं तो इन्होंने और मांगना शुरू कर दिया, और रिपोर्ट में जिक्र है कि IMANA संस्था को भारत की मदद के नाम पर $1,00,000 प्रति घंटे की मदद मिल रही थी। हालांकि ये पता नहीं चला कि ये कितने पैसे इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि मदद करने के नाम पर दुनिया भर से 30 करोड़ से 158 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। अब सोचिए, जो देश भुखमरी के कगार पर हो, जहां पर इमरान खान जगह जगह जाकर खैरात लाते हो, गधों के ऊपर इकोनॉमी चल रही हो, वो भारत की मदद के नाम पर चंदा वसूल रहा है। इस खबर पर और इस तरह की हरकत पर, पाकिस्तान की हरकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।